Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. I am Divyanshi Singh and I am selected as Deputy Collector in UPPSC 2020. Also, I have secured All India Rank 726 in UPSC Civil Services Examination 2020. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में दूसरा टॉपिक इंडिया, श्रीलंका रिलेशंस. सो ये लेक्चर हमारा मेंस क्लासरूम प्रोग्राम का पार्ट है. इसके अलावा जो भी सिनॉप्सिस आईएएस पे कोर्सेज हैं दैट यू कैन विजिट एंड सी ऑन synopsisias.in वेबसाइट. यहाँ पे आपको बाकी कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी. मूविंग ऑन टू द लेक्चर. सो in India Sri Lanka relationship we will talk about several things like हम इसको broadly तीन heads में पढ़ेंगे. One is the cooperation, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका किस किस फ्रंट्स पे हमें कोऑपरेशन देखने को मिलता है, राइट. व्हाट आर द इंडियाज़ इंटरेस्ट इन श्रीलंका, राइट. व्हाट हाउ कैन दिस रिलेशनशिप बी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, राइट. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर इंडिया इन दिस रिलेशनशिप, रोल ऑफ इंडिया इन इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप. देन व्हाट आर द चैलेंजेस इन द रिलेशनशिप, चैलेंजेस इन रिलेशनशिप. देन what is the way forward, how can we proceed further, right. so इस heads में हम इस discussion को करेंगे. so starting with cooperation, अगर cooperation से बात करें so cooperation हमको बहुत सारे fronts पे देखने को मिलता है. जब भी आप किसी country से cooperation की बात करना चाहते हैं so you can talk about social cooperation, you can talk about economic cooperation, you can talk about political cooperation, you can talk about diplomatic cooperations, you can talk about environmental cooperation, right. and then security पे आप cooperation पे बात कर सकते हो. so इन themes पे आप अपने answer को सोच सकते हैं, right. so whenever we talk about any bilateral relationship between any two countries हम social, economic, political, environment, security इन ends पे technology पे सोचते हैं, right? सो कल्चरल है, सो कल्चरल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज. सो वी नो कि देर आर टाइज, तमिलियन पीपल दे लिव देयर सो इन श्रीलंका, राइट. सो दो दे आर इन माइनॉरिटी, सो यहाँ पर एथनिक रिलेशंस है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स है, टाइज है. देन देर आर several other linguistic interactions, so again Tamilian people living there, so Tamilian language is there. so there are certain kinds of interaction that we come to see between two nations, right. so India and Sri Lanka have a legacy of intellectual, cultural, religious, linguistic interaction. in recent years trade and investment has grown significantly, right, in the fields of development, education, culture and defense. so whenever we talk about कोऑपरेशन हम सोशल कोऑपरेशन, डेमोग्राफी के बारे में बात कर सकते हैं, इकॉनमी, पॉलिटी इन सब के बारे में बात करेंगे, राइट. सो इन सोशल वी कैन टॉक अबाउट कल्चरल एक्सचेंजेस, हम बात कर सकते हैं लिंग्विस्टिक इंटरेक्शंस की, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, स्टूडेंट्स की, राइट. श्रीलंकन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडियन यूनिवर्सिटी, हम टूरिज़म की बात कर सकते हैं, राइट. सो टूरिज़म इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकॉनमी फॉर श्रीलंका, राइट. सो यहाँ पर हम इस तरीके के कोऑपरेशंस की बात कर सकते हैं. देन इकॉनमी में हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं. सो अगर हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें सो श्रीलंका का ने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, राइट. सो देयर इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, एंड इंडिया इज़ श्रीलंकाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. सो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. अगर आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करो तो आप ट्रेड की बात करो, राइट. सो ट्रेड में इंडिया जो है वो श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, एंड बोथ द कंट्रीज़ हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन देम, राइट. सो दिस यू शुड नो. उसके अलावा अगर हम डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन की बात करें सो इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस टू श्रीलंकन पार्लियामेंट इन 2015, फिर जॉइंट कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया श्रीलंका के बीच में 1992 में, फिर अभी सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी डील साइन हुई थी इन 2015. सो दीज आर सम डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़, राइट। देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी में अगर हम बात करते हैं तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में कि जो श्रीलंकन फोर्सेज हैं दे आर बीइंग ट्रेन्ड बाय द इंडिया, सो इंडिया प्रोवाइड्स डिफेंस ट्रेनिंग टू श्रीलंकन फोर्सेज। उसके अलावा कई सारी मैरीटाइम एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती हैं बिटवीन दीज टू कंट्रीज, जैसे कि नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है स्लीनेक्स, राइट। स्ली मतलब SLI मतलब श्रीलंका, एंड देन IN मतलब इंडिया, एंड X मतलब एक्सरसाइज। उसके अलावा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है दोनों के बीच में जिसका नाम है मित्र शक्ति, राइट। सो मित्र शक्ति के बारे में आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स, ताकि एंटी पायरेसी ऑपरेशन सर्वेलेंस इन द इंडियन ओशन उसको बढ़ा सके, राइट। सो वी हैव सीन दैट एंटी पायरेसी इन द सोमालियन कोस्ट ऑफ द इंडियन ओशन रीजन दैट हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ इंडियाज़ एफर्ट्स। सो ये भी यहाँ पर एक कोऑपरेशन का एक एरिया है, एक सेक्टर है। उसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक कोऑपरेशन में हम और बात करें अगर, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रेड एस्पेक्ट। इंडिया जो है वो श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके अलावा अगर हम बात करें और इकोनॉमिक एरियाज़ में कहाँ कहाँ पर कोऑपरेशन है, सो इंडिया इज़ डेवलपिंग अ पोर्ट कॉल्ड त्रिनकोमाली करके पोर्ट है दैट इंडिया इज़ बीइंग डेवलपिंग इन श्रीलंका। उसके साथ साथ यहाँ पर ऑयल टैंक फार्म्स जो हैं वो इंडिया डेवलप कर रहा है। देन इंडिया एंड जापान ने जॉइंटली एक जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया है, राइट। दे वुड बी डेवलपिंग ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल बनाएंगे नियर कोलंबो हार्बर। So this would be jointly developed by India and near Colombo Harbour. So ये jointly develop किया जाएगा by India and Japan. उसके अलावा जो है India has also given debt to Sri Lanka. So Sri Lanka has debt from China, has debt from India. So India has also given debt postponement. आप बाद में दे देना। सो डेट पोस्टपोनमेंट वॉज गिवन बाय इंडिया टू श्रीलंका। उसके अलावा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, राइट। देन इंडिया इज़ ऑल्सो डूइंग सेवरल प्रोजेक्ट्स देयर लाइक कोलंबो प्रोजेक्ट है। उसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस है श्रीलंका का, सो वहाँ पर इंडिया इज़ डूइंग सेवरल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देयर, राइट। जाफना कोलंबो पार्क है, जाफना कोलंबो रेल ट्रैक है, जाफना कोलंबो रेल ट्रैक इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। सो दैट इज़ बीइंग अपग्रेडेड, दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया। सो इस तरीके से इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज़ देयर बिटवीन द टू कंट्रीज़, राइट। देन सेवरल डेवलपमेंट असिस्टेंस इज़ बीइंग गिवन बाय इंडिया। सो यहाँ पर इंडिया प्रोवाइडेड ऑल वॉर रिलीफ मेजर्स, फूड, मेडिसिन एंड ऑल। उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर श्रीलंका में, सो इंडिया इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग aid and also constructing houses for those who are displaced, जो internally displaced people है because of the ethnic conflict। So यहाँ पे ethnic conflict देखने को मिलता है between the majority Sinhalese people and the minority Tamilian people। So उनके बीच में ethnic conflict है, so that war ultimately leads to displacement of people। So those who are internally displaced उनके लिए humanitarian assistance का जो काम है, घर है, food है, राइट, स्कूल्स हैं। सो दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया इन नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका, राइट। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोलंबो मतारा रेल लिंक। सो इसका रिपेयर वगैरह जो है दैट इज़ ऑल्सो कोलंबो रेल लिंक that is also being developed or being repaired by India, right। उसके अलावा India is one of the largest providers of development credit to Sri Lanka। Then there is several cultural and educational cooperation। So अगर आप cultural and educational cooperation की बात करेंगे, so India and Sri Lanka ने cultural cooperation agreement साइन किया था 1977 में, right। उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप, श्रीलंका इज़ पार्टनर इन नालंदा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मली लॉन्च किया था ई टूरिस्ट वीज़ा फैसिलिटी और स्कीम फॉर श्रीलंकन टूरिस्ट, राइट. सो टूरिज़्म को बढ़ावा देना, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना, दो श्रीलंकन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन इंडिया, सो उनको स्कॉलरशिप वगैरह देना. सो दीज आर व्हाट कल्चरल एंड एजुकेशनल cooperation between the two countries. So these are areas of what? These are areas of cooperation. अब अगर हम challenges की एक बारी बात करें, what are the challenges? सो चैलेंजेस भी कई हैं. अगर हम पॉलिटिकल फ्रंट पे देखें, जो इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड हुआ था, इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड दैट वाज मेड इन द ईयर 1987, राइट. सो यहाँ पर थ्रू दिस अकॉर्ड देयर वाज एक 13th अमेंडमेंट इनैक्ट किया गया था टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका, जिसके बेसिस पर तमिलियन जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस है वहाँ पर जो तमिलियन लैंग्वेज है उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा श्रीलंका में. साथ ही साथ जो तमिलियन पीपल है उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का भी मौका दिया जाएगा, राइट. सो दिस वाज 13th अकॉर्ड, 13th अमेंडमेंट. सो यहाँ पर इंडिया क्या फेयर करता है कि श्रीलंका कैन इग्नोर 13th अमेंडमेंट, राइट. उसके अलावा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है श्रीलंका में, जैसे रिसेंटली 20th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये 20th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मोर पावर टू द प्रेसिडेंट. सो व्हेन यू आर गिविंग मोर पावर टू द प्रेसिडेंट दैट मीन्स यू आर मोर एंड मोर पावर आप किसी एक पर्सन के हाथ में कंसंट्रेट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर constitutionally dismantling the democracy that is there in Sri Lanka, right. So 20th amendment is again a matter of concern. उसके बाद कई सारे human right violations होते हैं यहाँ पर, right. Internally displaced people are there. उसके बाद civil war है. So these are all the political fronts पे there are challenges. उसके बाद तमिलनाडु की क्या पॉलिसी होती है, राइट. सो तमिलनाडु की पॉलिसी भी जो है दैट अफेक्ट्स द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. बट रिसेंटली हम देख रहे हैं कि सिंस 2009 जो है देयर इज एथनिक पीस. सिंस 2009 देयर इज एथनिक पीस इन श्रीलंका. सो उसके बाद से जो है द रिलेशंस आर मोर और लेस स्टेबल, राइट. सो सिंस देन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रही हैं चीज़ें. उसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें चैलेंजेस क्या हैं, सो इकोनॉमिक फ्रंट पे वी सी की चाइना जो श्रीलंका है यहाँ इट इज़ डेट ट्रैप पॉलिसी का जो है शिकार एक तरीके से हो चुका है. सो इट ओज लार्ज अमाउंट ऑफ इट्स डेट टू चाइना. सो एक ये इशू है, राइट. इकोनॉमिकली अगर आप जाते हो देन चाइना, सो चाइना इज़ वन मेजर कंसर्न. अगर आप देखो कि व्हेन आर नेबर कंट्रीज़ दे एक्चुअली हैव टू नेगोशिएट बिटवीन कोई डील पे नेगोशिएट करना है इंडिया के साथ, देन दे डू व्हाट, दे ट्राई टू ब्रिंग इन चाइना. चाइना कार्ड प्ले करने की कोशिश करते हैं, राइट. एंड इवन इफ़ वी इग्नोर दिस थिंग देन दे माइट गो बैलेंसिंग एक्सटर्नल बैलेंसिंग अगेंस्ट इंडिया. सो दे माइट से कि हम चाइना के साथ प्रोजेक्ट कर लेंगे एंड ऑल. सो इस तरीके से नेगोशिएट करते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न फॉर इंडिया. उसके बाद चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, डेट ट्रैप पॉलिसी, राइट, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी. सो उसके अंडर में दीज आर ऑल कंसर्न्स फॉर इंडिया. जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट है, सो दैट इज़ गिवन टू चाइना ऑन अ 99 ईयर लीज. सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, राइट. देन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स और भी हैं, जैसे कि अगर आप ले लो फिशिंग को लेकर के डिस्प्यूट है, राइट. सो इंडिया ने 1974 में एक आइलैंड था कच्चाथीवू करके, सो इस आइलैंड को जो है इंडिया सीडेड टू श्रीलंका, राइट. सो यहाँ पर ट्रेडिशनली इंडिया में लोग फिशिंग करते थे यहाँ पे, बट आफ्टर इंडिया सीडेड दिस आइलैंड इन 1974 टू श्रीलंका, सो ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स जो थे यहाँ पे फिशरमैन के वो चले गए, राइट. सो स्टिल यहाँ पर जो है इस तरीके के इशूज़ देखने को मिलते हैं कि फार्मर्स आर बीइंग फिशरमैन आर बीइंग स्ट्रेट, राइट. दे वर फाउंड फिशिंग इन दिस एरिया वायलेटिंग मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, right, international maritime boundary line. So it becomes a problem, right. Then Palk Strait या फिर जो भी आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पर इस तरीके के स्ट्रेइंग ऑफ फिशरमैन ये इश्यूज़ रहते हैं. तो ये भी एक वन कंसर्न है बिटवीन द टू कंट्रीज, राइट। तो अगर हम कंसर्न्स हमने देख लिए, चैलेंजेस देख लिए, तो हम बात करें कि हमने ये भी देख लिया कि कोऑपरेशन कहाँ कहाँ पे है। सो अगर हम बात करें इंडिया श्रीलंका के सिग्निफिकेंस की, रिलेशन के क्या सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंस यही है कि इफ़ यू टॉक अबाउट चाइना, सो चाइनाज़ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, राइट, चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन, चाइना ऑलवेज जो है इंटरफियर्स इन इंडियन ओशन रीजन, राइट, अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। सो टू काउंटर दैट एंड इंडिया इज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन, तो उसके लिए इंडिया नीड्स टू कनेक्ट विद इट्स नेबरहुड, राइट। सो फॉर दैट इंडिया नीड्स इट्स नेबर टू बी ऑन इट्स साइड। तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस जो है दैट इज़ ह्यूज फॉर इंडिया। अगर हम श्रीलंका की देखते हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस तरीके की है कि उसका सिग्निफिकेंस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। एंड इंडिया नीड्स टू सपोर्ट श्रीलंका टू एमर्ज एज ब्लू वाटर नेवी इन द इंडियन ओशन, सो दैट यहाँ पे एंड इन परस्यूइंग देम द परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी। सो अगर हम यहाँ पर अपने नेबर्स को प्रमोट करते हैं, डेवलप करते हैं, सो अल्टीमेटली इट विल लीड टू व्हाट, अल्टीमेटली इट विल लीड टू रीजनल स्टेबिलिटी। जो साउथ एशियन रीजन है दैट वुड बी बेटर रीजनल स्टेबल, रीजनल इंटीग्रेशन को हम बढ़ावा देंगे, और जैसे रीजनल इंटीग्रेशन होता है सो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज़ और ज़्यादा अच्छा होगा। एंड अगर रीजनल इंटीग्रेशन अच्छा है तो ऑब्वियसली आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस लाइक चाइना, ये सारी चीज़ें कम होंगी, राइट, एंड वी कैन ग्रो टुगेदर, सर्वाइव टुगेदर, एंड द सागर एम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन कैन बी अचीव। उसके साथ साथ अगर हमारे नेबर्स हमारे साथ हैं, राइट, गुजराल डॉक्ट्रिन की हम बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट इंडिया लेड रीजनलिज्म विद विच आर नेबर्स आर कम्फर्टेबल। सो अगर हमारे नेबर्स हमारे साथ कम्फर्टेबल है सो दे वुड बी ऑल्सो प्रमोटिंग द आइडियाज़ जो कि इंडिया पिच करता है एट द जियो पोलिटिकल फोरम, राइट। सो जैसे कि इंडिया की मेंबरशिप टू यूएनएससी, सो उसको सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली अगर हमारे नेबर्स हमारे फेवर में, रादर देन अगर हमारे नेबर्स चाइना की तरफ चले गए तो दे विल नॉट। सो इंडिया नीड आर नेबर्स टू एक्चुअली सपोर्ट इट्स own ideas, to support its ideas and its cause in the international forum, right. So अगर हम यहाँ पर हमने देख लिए कि challenges क्या हैं, opportunities क्या हैं दोनों countries के लिए। सो अब अगर way forward की बात करें तो हम एक एक करके problems को ही address कर ले तो way forward हो जाएगा, right. अगर हम fisherman की बात करें, fishing के issue को solve करने की कोशिश करें, सो हम बात कर सकते हैं कि दोनों areas जो पाक बे है आप उसकी joint patrolling करा लो, राइट। जो भी यहाँ पे फार्मर्स हैं जो कि इस तरीके की ट्रेडिशनल फिशिंग पे डिपेंडेंट हैं, आप उनको ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड दे सकते हो, राइट, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड दे सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे सस्टेनेबल फिशिंग को बढ़ावा दे सकते हो, राइट, सस्टेनेबल फिशिंग। आप डीप सी फिशिंग करा सकते हो, डीप सी फिशिंग को बढ़ावा दे सकते हो, या फिर इनलैंड फ़िशिंग को बढ़ावा दे सकते हो। सो फ़िशिंग के मुद्दे को आप इस तरीके से इशू कर सकते हो, बाउंड्री इश्यूज़ को आप जॉइंट पेट्रोलिंग के थ्रू इशू कर सकते हो। उसके बाद चाइना जो है या फिर हमारे जो नेबर्स जो होते हैं दे फियर इंडियाज़ बिग ब्रदर एटीट्यूड। सो आप बिग ब्रदर एटीट्यूड का लोगों को डर ना रहे, इसके लिए आप यहाँ पर ट्राईलेटरल कोऑपरेशन कर सकते हो, राइट। सो ट्राईलेटरल कोऑपरेशन जैसे कि इंडिया, जापान and Sri Lanka, right, several developmental projects that are being conducted by India in Sri Lanka, so वो India, Japan और Sri Lanka के trilateral cooperation से है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे neighbors का, right, ये डर भी चला जाएगा। उसके अलावा हम श्रीलंका की India's first policy को बेहतर leverage कर सकते हैं, right, so Sri Lanka also has India's as India first policy, so हम उसको बेटर लेवरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया को क्या करना है, इंडिया को एक तो गुजराल डॉक्ट्रीन को फॉलो करना है, गुजराल डॉक्ट्रीन, राइट, वेयर वी एक्सटेंड ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट टू आर नेबर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग कि वो हमारे लिए रिटर्न में कुछ करेंगे, राइट। वी हैव टू फोकस ऑन इंडिया लेड रीजनलिज्म जिससे कि हमारे नेबर्स कम्फर्टेबल है। उसके अलावा यहाँ पर हमें बैक चैनल डिप्लोमेसी ऑन रखनी चाहिए। देन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हमको करते रहने चाहिए, राइट, एंड देन स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल लिंकेजेस हमें बढ़ाने हैं. वी ऑल्सो नीड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट मस्ट बी साइंड सो दैट इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में आप उसको भी नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएं, राइट. सो यहाँ पर ये कुछ कंसर्न्स हैं जो कि एड्रेस करने हैं, राइट. एंड इफ़ वी एड्रेस दैट वी कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड विद आवर रिलेशनशिप. सो दिस वॉज इट फॉर दिस क्लास. Thank you.